हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। कल डेटा आया फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से टैक्स कलेक्शन का, और ये डेटा बहुत ही बड़ा एकम्प्लिशमेंट है। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि आप 2013-14 में हमारा डिबेट और डिस्कशन, अभी तक, हाल फिलहाल तक भी सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी आप जाओगे तो ये होता था कि इंडिया में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं, और इंडिया के टैक्स से ही रोड बनते हैं, स्कूल बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, रेलवे बनती है, मेट्रोज बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, तो डिफेंस को पैसा जाता है, पूरा बजट बनता है। तो इंडिया में जब इतने कम लोग टैक्स देंगे तो ये पैसा कैसे इंडियन गवर्नमेंट, हम मिडिल क्लास पे ही बोझ क्यों आएगा, ये सवाल हमेशा होता था। और एक आंकड़ा आता था, आंकड़ा ये था ओरिजिनल कि 1947 से लेकर के 2014 तक, हम याद रखेगा, 1947 से लेकर के 2014 तक हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेशन का, डायरेक्ट टैक्सेशन, याद रखिएगा, दो तरीके के टैक्सेशन होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन में मात्र 3.79, 3.79 करोड़ लोग टैक्स फाइल करते थे, 3.79 करोड़ लोग टैक्स फाइल करते थे सिर्फ। अगर मैं इसको ऐसे मोटा मोटी देखूं कि 125 करोड़ जनता है, पहले तो कम थी, अभी मान लो 125 करोड़ जनता है, तो आप अगर जनता के रेशियो में देखोगे तो 125 करोड़ में से सिर्फ 3.79 करोड़ टैक्स देते थे। मगर ऐसा जैसे इंडिया में होता है कि परिवार में एक बंदा कमाता है और बहुत बच्चे लोग भी हैं जो बहुत बूढ़े लोग भी हैं जो टैक्स नहीं पे करते हैं, तो उनको हटा दिया जाए पॉपुलेशन में से। तो आप अगर ऐसे देखेंगे कि फैमिली वाइज देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको, आंकड़े को अगर आप पूरे पॉपुलेशन पे लगाएंगे तो गलत होगा एनालिसिस। तो फैमिली वाइज देखेंगे तो मान लो आप 5 लोगों की फैमिली, तो 25 करोड़, 25 करोड़ में से 3.79 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं। उस 25 करोड़ में भी बहुत ज़्यादा परिवार एग्रीकल्चर से जुड़ी है जो टैक्स नहीं देती है, मगर फिर भी बहुत मात्रा में ऐसे लोग थे जो टैक्स नहीं देते थे। तो आंकड़ा यही था कि आज़ादी के बाद से अभी तक 3.79 करोड़ लोग ही टैक्स देते थे, डायरेक्ट टैक्स जो आपकी इनकम से कटता है, और वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, उतना आप टैक्स भरते हो। डीमोनेटाइजेशन के बाद और 2014 से 2017, 2018, मार्च 2018 तक, आपको बताऊं कितने टैक्स पेयर हो गए, 6.84 करोड़। एंड दिस इज सच अ बिग अकम्प्लिशमेंट विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ। 3.79 करोड़ से 6.84 करोड़, ऑलमोस्ट डबल। मतलब अब हमारे टैक्स पेयर जो बेस है वो 6.84 करोड़ हो गया है, डबल हो गया है मात्र 4 साल में। मतलब जो 1947 से कांग्रेस ने और किसी की भी गवर्नमेंट रही उसने 2014 तक जो काम किया, जो टैक्स पेयर को टैक्सेशन में लाया, इकोनॉमी को फॉर्मल बनाया, वो सिर्फ 3.79 करोड़ था। 4 साल में ये उससे बढ़ के 6.84 करोड़ हो गया, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड 10 ट्रिलियन रुपीज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। 10 ट्रिलियन मीन्स 10 लाख करोड़ रुपया टैक्सेशन से आया है, डायरेक्ट टैक्सेशन से, फॉर द फर्स्ट टाइम। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन की। इनडायरेक्ट टैक्सेशन जीएसटी के बाद सब चेंज हो गया। जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेशन लिया जाता था कस्टम ड्यूटी के फॉर्म में, सेल्स टैक्स के फॉर्म में, जो ट्रेडर्स देते थे, पे करते थे। अब आपको एक आंकड़ा दूंगा जो फिर आप हंसी आ जाएगी कि जीएसटी से पहले जो टैक्सेशन फाइल होती थी उसमें ट्रेडर लोग की संख्या सिर्फ 65 से 70 लाख के बीच में होती थी। कितनी? 65 से 70 लाख के बीच में। और जीएसटी आने के बाद ये आंकड़ा अभी 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख के अप्रोक्स पहुंचने वाली है।
1 करोड़ को पार कर चुकी है, उसके बीच में डेसिमल में कहीं है। 1 करोड़ 10 लाख, मतलब कैन यू इमेजिन कि ये 40 लाख या 35-40 लाख ट्रेडर्स कहाँ से आ गए, या आप कह सकते हो कि ये 3 करोड़ डायरेक्ट टैक्सेशन वाले कहाँ से आ गए। ये कहीं से आए नहीं, ये पहले भी इंडिया में थे, टैक्स नहीं देते थे, अपना रिकॉर्ड, अपनी सेल, अपनी दुकानदारी बताते नहीं थे सरकार को। और अब जीएसटी आने के बाद और डिमोनेटाइजेशन होने के बाद, जब सरकार ने पता लगाया कि कितने लोग हैं, डिमोनेटाइजेशन के बाद जब सारा पैसा आपका चला गया बैंक में और ट्रेसिबिलिटी हो गई, तो अब वो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं और प्राउड फील कर रहे हैं। तो और मैं इन सबको, 40 लाख ट्रेडर्स को और 3.5 करोड़ जो लोग नए जुड़े हैं डायरेक्ट टैक्सेशन में, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। यू हैव टेकन अ वेरी गुड स्टेप टू बी अ पार्ट ऑफ फॉर्मल इकोनॉमी। इंडिया अब इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हर साल 17% के ऊपर की ग्रोथ हो रही है डायरेक्ट टैक्सेशन के कलेक्शन में। तो पहली बार 10 लाख करोड़ के ऊपर गया है आंकड़ा, और ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसके बाद जो बजट बनता है, जो आपके डेवलपमेंट का पैसा दिया जाता है, वो भी बहुत मल्टीप्लीकेशन में बढ़ता है। इसी डिमोनेटाइजेशन इसलिए किया गया था। डिमोनेटाइजेशन का और सब बेनिफिट है, डिमोनेटाइजेशन के बाद डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ा, डिमोनेटाइजेशन के बाद जो ट्रेस की गई हवाला कंपनियों में, 3 लाख के ऊपर कंपनियों को डी रजिस्टर कर दिया गया, डी रजिस्टर कंपनी एक्ट के तहत डी रजिस्टर कर दिया गया। और 3 लाख के ऊपर कंपनियों को जो डी रजिस्टर किया गया, उनमें से ज्यादातर कंपनियां अपनी एसेट को मांगने भी नहीं आई, क्योंकि एसेट मांगने आएगी तो सरकार उससे पूछेगी कि भाई ये पैसा कहाँ से आया और तुम करते क्या थे कंपनी में, हवाला कंपनियां थी ये सब। और ये 3 लाख कंपनियों को जो डी रजिस्टर किया और ये एसेट मांगने नहीं आए, ये एसेट का वर्थ 37,000 करोड़ है जो अब गवर्नमेंट के पास है। तो डीमोनेटाइजेशन का ये भी बेनिफिट हुआ। डीमोनेटाइजेशन का तीसरा ये बेनिफिट है बहुत बड़ा, तो आप लोग को पता भी नहीं होगा शायद से, जो आपका 1,000 का नोट बनता था पहले, वो लगभग 4.5 रुपए में बनता था। इसका मतलब 1,000 के नोट की मैन्युफैक्चरिंग 4.5 रुपए में होती थी। उसी तरीके से 500 की नोट कुछ 3.75 रुपए के करीब इसकी वैल्यू थी। मतलब अगर मुझे 50,000 रुपए चाहिए, समझ रहे हो आप, 1,000 के नोटों में, तो 50 × 4.5 रुपए, उतना रुपया मेरे को पे करना पड़ता था उस नोट को बनाने वाली कंपनी को। और आपको मैं बताऊं, 2014 से पहले 1,000 और 500 के नोट इंडिया में नहीं छपते थे, यूरोप में छपते थे, यूएस में छपते थे, और वहां से वो इंडिया आते थे, 1,000 के नोट और 500 के नोट। उसके अलावा बाकी नोट इंडिया में छपते थे, मतलब 100 के, 50 के, 10 के, 20 के सिक्के, ये सब इंडिया में छपते थे। इंडिया की कैपेसिटी नहीं थी। जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए, उन्होंने सबसे पहले कानून ये लगाया कि इंडिया बाहर से अब नहीं खरीदेगा नोट, नहीं बनवाएगा नोट। और चूंकि इन्होंने ये डिसीजन लिया कि बाहर से नहीं बनवाएगा, तो इनको 1,000 और 500 के नोटों को बंद करना लाजमी था, क्योंकि अगर वो नहीं बंद करते तो वो बाहर से काउंटरफीट करेंसी आती। तो इन्होंने 1,000 और 500 की पूरी डिजाइनिंग, पूरा डाई, पूरा कलर, पूरा साइज सब बदल दिया और नया नोट लाए, ऊपर से 2,000 का नोट भी लाए। इसका मतलब अब इंडिया टोटली अपनी करेंसी खुद छापता है। तो ये डिमोनेटाइजेशन के कारण वो दोनों नोट स्क्रैप हुए और इंडिया अब अपना बनाता है, जिससे 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ तक का रकम बचा भारत सरकार का, जो वो बाहर की कंपनी को पे करती थी नोट छपवाने के लिए। तो जिन लोगों को झूठ फैलाना था आज से पहले, बहुत झूठ फैला दिया, अब जनता के सामने सब आंकड़ा आ रहा है। जनता को पता है कि सरकार ने उन छुपे हुए, मैं गलत वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं चोर नहीं बोलूंगा, बट मैं इतना बोलूंगा कि जो लोग टैक्स नहीं भरते थे चाहे किसी भी रीजन से, उनको टैक्स के अंदर आने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया, आप कह सकते हैं बाधित भी किया, कंपेल भी किया, मजबूर भी किया। तो ये सब बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। तो इस वीडियो को शेयर करें।
और इस इन्फॉर्मेशन को सुने, और थैंक यू।